बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं लियाकत अली, तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल गुराया एग्रीकल्चर फार्मिंग। नाजरीन, अज असी अगेती काश्त सब्जी की जी हाईब्रिड भिंडी और घिया कद्दू और घिया तोरी इसकी असी एडवांस काश्त कर रहे हैं, जी सर्दियों के तैयारी होएगी और उस तो बाद जी अपना चुनाई है वह इंशाल्लाह फरवरी के शुरू हो जाएगी, फरवरी के एंड से। वो वास्ते असं जमीन तैयार कर रहे हैं, जमीन तैयार जी असा की बारे थोड़ा असी दस दीए कि पहले असा हल चलाया, दो सीआं हलों दी ला के उस तो बाद रूटावेटर अपना रूटावेटर मार के दो सीआं उहदियां लाईआं ने जमीन नूं हमवार कीता और जिहड़े विच वट्टे मट्टी दे ढेले वट्टे वगैरह जिहड़े ने उभर गए ने। तो उस तो बाद असा खेलां बणाईआं ने, खेलां दा जिहड़ा दरम्यानी फासला है वह एक फुट का रखे है। तो इस अपना वहोला इकई दे मदद दे नाल असा अपना जमीन तैयार की है और अलहमदुल्ला एक तो मेहनत इतना हार्ड काम नहीं है, बड़ा जबरदस्त काम है। अपना जमीन जब तैयार हुई हो खेल बनाने मुश्किल नहीं होती। बाकी इतना ज्यादा लम्बा चौड़ा अपना असा प्रोग्राम नहीं बनाया, छोटा जहा अपना सैटअप है। इंशाल्लाह जी काश्तकारी है तकरीबन दो अढ़ाई लाख के राउंड अबाउट ये जी फसल है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये पैदावार देगी। तो ये वास्ते असा हाईब्रिड बीज जरा असा अपना लेना है मार्केट के। तो उस तो पहले असी जी अपना जमीन की तैयारी के बारे दस रहा से, उस तो बाद असा दो जीयां रूटावेटर दी मरा के जमीन तैयार कर दिता है, खेलां बनाईआं। जिहड़ी भिंडी की काश्त है वह खेलां ते असी ला रहे हैं दोवां साइडां तों, खेल के दोवां साइडां तों असी चैक करा देना जरा कैमरामैन साहब। यह खेलां बनाईआं ने तकरीबन तुसी वेख रहे हो अपना एक खेल का जिहड़ा दरम्यानी फासला है वह एक फुट का फासला है, एक फुट का जिहड़ा असा बीज लाना है वह तकरीबन इस किनारे ते बीज आ जाएगा। इहदे हिसाब दे नाल असां इह खेलां बनाईआं ने, इह ते सिर्फ है यह खेलां बनिया ने तकरीबन मैंने ये दो तीन दिन लग गए ने खेलां तैयार करदे आ। यह हुण तुसी वेख रहे हो कि मिट्टी बिल्कुल बिल्कुल अपना यह बुर गई है मिट्टी बिल्कुल, इहदे उत्ते ज़्यादा वट्टा नहीं है। तो यह तकरीबन एक कनाल बनी है, एक कनाल जी असें काश्त की है, अपना काश्त करनी है भिंडी की, वो तैयारी कर रहे हैं। दसंबर की अज है दो तरीक, दसंबर की दो तरीक है, इंशाल्लाह दो तीन दिन तक असं जी अपना बुआई है यदि भिंडी की काश्त है वह असी कर देनी है। यह तकरीबन एक कनाल या सवा कनाल बनेगी, अजय थोड़ी जी जगह रही है साइडा ते जनाब असी कद्दू काश्त करेंगे, कद्दू और नाल जी हाईब्रिड अपना घिया तोरी वह इंशाल्लाह काश्त करेंगे। ये दसंबर के जी ना वैसे तो नवंबर के मिड नवंबर यदि स्टार्ट शुरू हो जाता है जी अगेती काश्त है सब्जी की वो शुरू हो जाती है। तो असा ज़्यादा फैसला जरा डिसीजन लिया है सब जी भिंडी है अलहमदुल्ला जो रेट होंगे बड़ा जबरदस्त रेट होंगे और ये शुरू तो 1200 रुपए दड़ी जी है 5 किलो 1200 रुपए के शुरू तो अपना मार्केट के अंदर मंडी के अंदर ये रेट होंगे है और ये अच्छी प्रोडक्ट है। अगर कोई किसान बाई करना चाहता है तो वह रिजल्ट वेखे तकरीबन एक कनाल काश्त करे और इस तो बाद जो इतना इतना खर्चा नहीं है। असी शुरू तो इनू नाइट्रोफास और या अपना DAP वो तकरीबन 20 किलो या 10 किलो लावे और वह खेलियों के लानी है, इस तरह करके खेलियों के सुटनी है। तो बाकी रहा यह टनल लो टनल है, लो टनल की असी काश्त कर रहे हैं भिंडी, इंशाल्लाह तकरीबन 3-4 दिन तक असं काश्त कर देनी है। तो ये उत्ते जो सा खर्चा है वह मेरे ख्याल के मुताबिक 10 to 12 हज़ार रुपया छापर का खर्चा होना है। एक कनाल तो और नाल जी 3-4 जड़ियाँ ने 3 बैड और बैड जी एक घिया तोरी का बनाया है, एक खेल जी घिया तोरी की बनाई है, यदा भी फासला तकरीबन एक फुट तक रखे है। ये उत्ते टनल असा जो लो टनल लाना है वो असी लो टनल लावे जो आम कालका नहीं इस्तेमाल होंगे छापर और जी उत्तर तार इस्तेमाल होंगी है वो इस उत्ते लावे इंशाल्लाह। तो बाकी यह बैड है 7 to 8 फुट असा वाया रखे, तकरीबन यदि जी लंबाई है चौड़ाई है वह 7 to 8 फुट है। यह 3 बैड बनाए ने, 1, 2, 3 और 3 और तिना बैडा का जो फासला है वह 6। बाकी जी थोड़े को गोबर है रूड़ी है वो तुसी पाओ तो असी इंशाल्लाह जो असी यदि बुआई करनी है लो टनल असा लाना है असी इंशाल्लाह दोबारा असी वीडियो बना के अपलोड करांगे। फिलहाल अगर कोई भाई की जमीन किसान की अगर जमीन वेली पई है और शौक रखता है तो इतना एक्सपेंस नहीं है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है और इंशाल्लाह जी काश्त है अपना अगेती काश्त भिंडी की वो तुसी अपना करो और इंशाल्लाह जरूर फायदा होएगा। साढ़े इस चैनल सब्सक्राइब करो और बैल आइकॉन बटन